सबसे पहले याद रहे कि बैटरी की केबल्स आपने लगानी होती है, बाद में आपने पैनल्स की, और ये पैनल्स की केबल है और ये बैटरी की है, ये वापरे इन की है, ये वापरे आउट की है। ये आप एमपीपीटी के ऊपर देख लें, पीवी 35.6 वोल्ट आ रहे हैं ऊपर से और 29.4 से चार्ज हो रही है, बैटरी 14.2 पे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये एन टाइप का डबल ग्लास सनोवा कंपनी का सोलर पैनल है, तो आज इसको हम एमपीपीटी के साथ कनेक्ट करेंगे और इसके एम्पीयर और वोल्टेज आपको मैं चेक करवाता हूँ। सिंगल बैटरी हमने 12 वोल्ट किसके साथ यूज़ करनी है, तो जल्दी से इसके मैं कनेक्शन करके नीचे एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर में मैं लगा देता हूँ और जाके वहाँ पे इसके एम्पीयर चेक करते हैं कि आया ये जो 575 वाट का डबल ग्लास एन टाइप सनोवा कंपनी का सोलर पैनल है, ये हमें कितने एम्पीयर और कितने वोल्टेज से बैटरी को चार्ज करता है। तो कंट्रोलर जो है हम एमपीपीटी यूज़ करेंगे इसके साथ, पावर मैक्स का, तो चलते हैं आपको लाइव टेस्ट करवाता हूँ कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के ऊपर ये कितने एम्पीयर हमें ये सोलर पैनल जो है वो देता है। यहाँ पे ये इसकी डाटा शीट है, इसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें जी, इसके जो 575 वाट है ये ऊपर देखें डाटा शीट के ऊपर, तो 43.38 वोल्ट जो है ये मैक्सिमम पावर वोल्टेज भी एमपी है, और इसके नीचे जो है पावर करंट जो है आईएमपी जो है 13.25 एम्पीयर है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है जो एम्पीयर देता है जब इसके केबल्स को हम शॉर्ट करते हैं, तो 14.03 एम्पीयर। ठीक है, तो इसको हम टेस्ट करते हैं एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर पे जाके कि ये 14 एम्पीयर से कितना बूस्ट करेगा और कितने एम्पीयर हमको जो है मैक्सिमम ये दे सकता है। तो चलते हैं एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर पे। बैटरी और एमपीपीटी की केबल हमने लगा दी है, तो ये केबल्स आप चेक कर सकते हैं कि ये ऊपर से आ रही है, ये पैनल से आ रही है, 6 mm की केबल हमने यूज़ की है। तो ये सबसे पहले याद रहे कि बैटरी की केबल्स आपने लगानी होती है, बाद में आपने पैनल्स की, और ये पैनल्स की केबल है तो ये बैटरी की है, ये वापरे इन की है, ये वापरे आउट की है। ये आप एमपीपीटी के ऊपर देख लें, पीवी 35.6 वोल्ट आ रहे हैं ऊपर से और 29.4 से चार्ज हो रही है, बैटरी 14.2 पे है। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की सेटिंग के लिए ये सेंटर वाला इंटरवल बटन आपने पुश करके रखना है जब तक इसकी बजर की आवाज़ ना आ जाए। जैसे ही बजर की आवाज़ आएगी आप एंटर प्रोग्राम के लिए, ये ऊपर वाला आपका बटन है नीचे वाला डाउन का, तो यहाँ पे देखें सेट बैक टू यूटिलिटी, और यूटिलिटी पे जाने के लिए कितने वोल्टेज आपने सेट करने हैं, बैटरी वोल्टेज यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं, 12.7 पे जाए तो ये यूटिलिटी पे शिफ्ट हो जाए। फिर एंटर वाला बटन प्रेस करने से सेट बैक टू सोलर, और सोलर के ऊपर कब जाए 13.5 पे जब बैटरी जाए तो तब जाए। फिर एंटर करने से सेट फ्लो चार्जिंग जो है इसके 14 वोल्ट हम सेट किए, 14 पे जाके ये जो है चार्जिंग जो है इसको कट ऑफ कर दे, तो फिर इसको अप डाउन से आप सेट कर सकते हैं। तो एंटर वाले बटन को प्रेस करेंगे तो सेव इसको कर लें, अप बटन से आप इसको सेव कर सकते हैं, तो इसको एंटर कर